स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाओं और कोविड सेंटरों के संचालन को दुरुस्त करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से 736.74 करोड़ की मांग की है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है इनके पत्र लिखने के लिए एक अलग से विभाग तैयार किया जाना चाहिए। और मंत्री के बयान का खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार प्रदेश की ही व्यवस्था के लिए कोई मांग करती है तो इसमें गलत क्या है, और अगर बात करें तो कोरोना की रफ्तार रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार भारी भरकम राशि पहले ही खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार ने पिछले 5 महीने में कोरोना नियंत्रण और इलाज के लिए 554 करोड़ की राशि खर्च की है। उसके बाद भी प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। जो जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग, हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हमको उसी अनुपात में हमको बेड बढ़ाने होंगे। ऑक्सीजन हम लोग पर्याप्त कर रहे हैं, हमें परेशानी तो है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कोरोना की लड़ाई में किसी प्रकार की कोताही बरते हैं। नहीं, चिट्ठी लिखने के लिए और कर्जा लेने के लिए अलग विभाग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चिट्ठी लिखने से और पेपर में छपवा देने से, समाचार पत्रों में चलवा देने से, सोशल मीडिया में चलवा देने से यह भ्रांति बनाई जाती है कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, केंद्र की जिम्मेदारी है। संवैधानिक रूप से तो इलाज करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है, पर अस्पताल चलाना इनका विषय है, इलाज करना इनका विषय है। हर बात में दिल्ली दिल्ली करने से छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त नहीं होगा। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, समन्वय, लोगों की भागीदारी जरूर है, लेकिन आज तक एक सलाह मशवरा विपक्ष से नहीं हुई आज तक, तो क्या कहा जा सकता है। मेन पावर है नहीं। अजय चंद्राकर जी की सरकार खजाना खाली छोड़ा था, 40-42 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ करके गया है, तो इन लोगों ने उधारी लेकर के खूब घूम घेर दिया है। अब हमको प्रदेश चलाना है तो जो आवश्यक काम हो सो तो करना ही पड़ेगा। तो जाहिर है कि कोरोना काल के बीच में कहीं ना कहीं एक पत्र जो लिखा गया है उसको लेकर सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान चर्चा के लिए मौजूद हैं, परिचय आपसे कराते हैं। उमेश घोरमणि जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों का स्वागत है बहुत बहुत डीएनएन पर। उमेश जी, शुरुआत में आपसे आज करूंगा, क्योंकि ये जो संज्ञा दी गई है नई संज्ञा की, पत्र लिखने के लिए एक अलग से आयोग बना देना चाहिए, लगातार पत्र लिखने की राजनीति शुरू हो गई है, पर हकीकत क्या है सर, कि कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 5 महीनों में 500 करोड़ से ज्यादा, 534 करोड़ की बात कही है कि खर्च कर चुकी है प्रदेश सरकार कोरोना महामारी में, लेकिन अब फंड की आवश्यकता पड़ रही है, तो 20 लाख करोड़ का जो फंड दिया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है। और अगर कांग्रेस से हम सवाल पूछते तो कांग्रेस कहती है 9 सांसद बीजेपी के हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है, फर्ज बनता है सर। देखिए अंकुश जी, मुझको लगता है कि इस सरकार ने अभी तक मांगने के अलावा और पत्र लिखने के अलावा कहीं कोई काम ही नहीं किया है, इसीलिए शायद अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि जिस प्रकार से इस तेजी से पत्र लिखते हैं, मुझको लगता है कि आने वाले समय में इस प्रदेश मुख्यमंत्री जी और वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे पत्र लिखने के मामले में, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां होनी चाहिए और धरातल पर जो प्रदेश के विकास की हम बात करें या फिर इस कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई की बात करें, यह सरकार नजर नहीं आती है, केवल विज्ञापनों में नजर आती है। और बाकी योजनाओं में, चाहे हम तमाम योजनाओं की बात करें, खैर योजनाओं का आज विषय नहीं है, उन योजनाओं में विज्ञापन करती हुई यह सरकार नजर आती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब आज मैंने कोरोना को लेकर के सरकार का एक विज्ञापन देखा, तो यह अपने आप में हास्यास्पद स्थिति और चिंताजनक स्थिति है।
जैसा कि आपने भी बताया और आंकड़ों में भी है कि 574 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च किया है और अब तक लगभग 60,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश के अंदर में मिल चुके हैं। अगर हम एवरेज आंकड़ों के हिसाब से भी निकालें तो 90-95,000 के आसपास प्रति मरीज इस सरकार ने खर्च किया, लेकिन खर्च करने के बाद इस प्रदेश के अंदर में कोरोना संक्रमण से लड़ाई को लेकर के इस सरकार की धरातल पर क्या स्थिति है, रिकवरी रेट क्या है, किस स्तर पर आज कोरोना महामारी का विस्फोट हो रहा है, किस तेजी के साथ कोरोना महामारी के मरीज संक्रमित हो रहे हैं और किस तेजी के साथ इस प्रदेश के अंदर में कोरोना संक्रमण का विस्तार हो रहा है। अगर हम रिकवरी रेट की अगर हम बात कर लें तो आज से 2 महीने पहले जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश का रिकवरी 78-79% के आसपास था, आज अगर हम सितंबर के महीने में उस रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 46% है, जबकि देश का रिकवरी रेट 77% है। तो यह अपने आप में चिंताजनक स्थिति है और साथ ही साथ मृत्यु दर के मामले में भी हम आज कहां खड़े हैं, 0.8% के आसपास है, 15वें स्थान पर हम आ गए हैं। और अगर हम बात करें जांच की स्थिति को लेकर के तो जांच की स्थिति तो मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई सरकार इसमें गंभीरता दिखा रही है। 7-7 दिन, 8-8 दिन, 9-9 दिन बाद जांच रिपोर्टें निकल करके सामने आ रही है। हम कोरोना संक्रमण के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं और जांच के मामले में, रिकवरी के मामले में 35वें स्थान पर है। तो यह अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। रही बात पत्र लिखने को लेकर के, निश्चित तौर पर एक संवैधानिक परंपरा है, उसके तहत अगर एक मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप कोरोना संक्रमण की लड़ाई में आप खर्च कर रहे हैं उसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है और धरातल पर भी आपकी लड़ाई दिखती नहीं है, कहीं कोई गंभीरता आपकी नजर नहीं आती है, तो फिर निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में यह कहना जायज होगा कि यह सरकार केवल पत्र लिखने वाली सरकार है और केवल हाथ फैला करके मांगने वाली सरकार है, लेकिन राहत के नाम पे, गंभीरता के नाम पे, कोरोना संक्रमण की लड़ाई के नाम पर यह सरकार कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो कुल मिलाकर के यह सरकार इस संवेदनशील विषय के ऊपर भी केवल राजनीति कर रही है, यह दुर्भाग्य का विषय है। ठाकुर साहब, गंभीर आरोप अभी उमेश जी भी लगा रहे हैं और पूर्व मंत्री चंद्राकर जी ने भी लगाए, लेकिन आपकी तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि भाई अगर पैसों की मांग हम करेंगे तो कौन सी गलत बात हम कर देते हैं। ये हमारा हक भी है कि प्रदेश सरकार को केंद्र की तरफ से भी फंड मिलता है और 20 लाख करोड़ का फंड अगर जारी हुआ है तो उसमें आपका भी हिस्सा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई में इतनी भयावह स्थिति बन चुकी है छत्तीसगढ़ में कि केस जो है 60,000 तक पहुंच चुके हैं, एक्टिव केसों की संख्या भी ज्यादा है, रिकवरी रेट कम हो गई है और आपके पास फंड भी नहीं है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं उमेश जी की विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए पैसा है लेकिन इलाज के लिए नहीं है। देखिए अंकुश जी, असल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, ये पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुके हैं। इन लोग कोरोना महामारी काल में जहां छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, आप और हमारे घर के छोटे बच्चे भी राज्य सरकार को कोरोना महामारी की उपायों करने के लिए अपने गुल्लक में पैसे निकाल के देते हैं, लेकिन वह अरे भारतीय जनता पार्टी जिसकी संवेदनहीनता मर चुकी है, ये मौतों पर राजनीति कर रहे हैं, ये बीमारी पर राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अभी बात करें तो उमेश घोमे जी संवेदनशीलता की, अरे आपको तो संवेदना होता क्या है यही नहीं मालूम भाजपा के लोगों को? छत्तीसगढ़ की सरकार अगर केंद्र सरकार से मदद मांगती है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द किस बात से होता है? एक और बोलते हैं कि सरकार जो है कोरोना रोकने में विफल हो चुकी है, दूसरी ओर बोलते हैं कि सरकार ने प्रति व्यक्ति 90 करोड़ रुपए खर्च किया मरीजों पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कि सरकार पे आरोप लगाना है कि सरकार के कामों की तारीफ करना है। अगर हम 90,000 रुपए प्रति मरीज अगर खर्च कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार गंभीर है, सरकार संवेदनशील है। अगर राज्य में टेस्ट बढ़ा हुआ है, टेस्ट बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि ये पर खुद कह रहे हैं कि जहां मई तक पेशेंट नहीं था, अक्टूबर में पेशेंट नहीं था, सितंबर में पेशेंट बढ़ा हुआ है, तो WHO का गाइडलाइन को समझ में आना चाहिए, WHO उनकी बातें को समझ में आनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जो इच्छा है और जो छत्तीसगढ़ के साथ जो इनका अव्यवहारिक जो चरित्र है, ये पहला अवसर नहीं है। जब किसानों के धान खरीदी का मामला आया तो भी भाजपा के लोग विरोध किए थे, जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जब पत्र लिखा गया तो भी भाजपा के लोग विरोध किए थे, जब मजदूर जो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई जिनको सकुशल घर वापसी की बात कही गई तब भी भारतीय जनता पार्टी लोगों ने विरोध किया। बात सुनने के लिए
सुनिए, आज सदन में बैठ के सदन की कार्यवाही चल रही है, वहाँ केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान घर वापसी के प्रयासों में और अन्य कारणों से कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। ये ऐसी सरकार है, ऐसी निर्धन सरकार है, ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार है, ऐसी लापरवाह सरकार है जिसको यही नहीं मालूम कि राज्य देश में मजदूरों कितनी मजदूर के मौत हो चुकी है। ये क्या बात करेंगे किसानों की, ये क्या बात करेंगे मजदूरों की, ये क्या बात करेंगे छात्रों की, और ये क्या बात करेंगे बीमारी में लड़ने की मदद करने की। ये तो संवेदनहीन लोग है, इनकी जो है नैतिकता मर चुकी हुई है, ये मौत में राजी कर रहे हैं। हमें तो गर्व होता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर जो अपने संसाधन से 554 करोड़ की राशि कोरोना में खर्च की है, जिसे प्रवासी मजदूरों को घर वापसी मिलाया गया, क्वारंटाइन किया गया, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, टेस्टिंग लगातार हो रहे हैं। और आज भी हमने अभी कुछ पत्र नहीं लिखा है, हमने तो पहले 821 करोड़ की डिमांड मांगी थी, 85 करोड़ दिया गया मात्र, और जो तकनीकी जो हमको वहां से मदद मिली है उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक दुर्बलता का जो पूरा दुर्भाग्यजनक परिणाम राज्य की जनता को देखने पड़ रहा है। पहले तो भारतीय जनता के नेता सिर्फ मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रहे थे, अब मानसिक दुर्बलता के भी शिकार हो चुके हैं। बोलिए अमित जी, बोलिए। देखिए अंकुश जी, मुझको लगता है कि यह बहुत संवेदनशील विषय है, और राजनीति करने के लिए हमारे पास, धनंजय जी के पास, कांग्रेस के पास, भाजपा के पास पूरा जीवन पड़ा हुआ है। लगातार राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, यह बड़ा गंभीर विषय है। अभी 554 करोड़ के विषय में अभी धनंजय जी बात कर रहे हैं, आप कहां खर्च किया, आप हिसाब क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों जनता के सामने हिसाब नहीं देते हैं, आप क्यों नहीं बताते हैं कि उस राशि को आपने कहां खर्च किया। आपने ऐसा खर्च किया कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में अव्यवस्था के चलते लोग क्वारंटाइन सेंटर को छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव के चलते, सांस काटने के चलते ऐसी व्यवस्था थी आपके 554 करोड़ के अंदर में। उसके बाद टेस्टिंग को लेकर अभी आप बात कर रहे थे, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ कि 7-7 दिन 9-9 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, और आप अभी मौत के आंकड़ों के विषय में बात कर रहे थे, मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही है। जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 8-8 दिन 9-9 दिन के बाद में आ रहे हैं, जब तक टेस्ट रिपोर्ट आता है व्यक्ति बहुत बुरी तरह से संक्रमित हो जाता है, उसके बाद वह अस्पताल में पहुंचता है तब तक उसकी हालत खराब हो जाती है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह आपकी सरकार की लापरवाही और उसके चलते मौत का आंकड़ा लगातार इस प्रदेश के अंदर में बढ़ रहा है। और रही बात बिस्तरों की व्यवस्था की, तो आज ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35,000 के आसपास लोग आज एक्टिव केस है, उसमें से भी 17,000 ऐसे संक्रमित मरीज हैं जो अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखे, होम आइसोलेशन के अंदर में है, क्योंकि उनको इस सरकार की व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है, और ना ही उनके जेब में इतना पैसा है कि सरकार ने जो 30 श्रेणियां बना करके प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल की दरें तय की है उसको वहन कर सके। इस सरकार की लचर व्यवस्था के चलते निजी अस्पतालों ने लूट मचा करके रखी है, लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, और यहाँ बैठे धनंजय ठाकुर साहब के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्यों निजी अस्पतालों का खर्चा क्यों इस प्रदेश का नागरिक वहन करे, जबकि आपकी सरकार इस प्रदेश के अंदर में आती है डॉक्टर रमन सिंह की महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट कार्ड योजना, जिसमें 50,000 रुपए तक का लाभ हर एक हितग्राही को मिलता था स्वास्थ्य के मामले में, उसको आपकी सरकार ने बंद करने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5,00,000 रुपए तक के स्वास्थ्य का लाभ मिलता था, उसको आपकी सरकार ने बंद करने का काम किया। उसके बदले में आपने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने की बात कही, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। 20 लाख की जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ साहब कि उस 20 लाख रुपए की जो आपकी योजना है उसमें कोविड के इलाज को मर्ज कर दीजिए, ताकि निजी अस्पतालों के अंदर में जाकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश का नागरिक, जिन्होंने आपको मत दिया है, जिन्होंने आपको जनादेश दिया है, वह जाकर के निःशुल्क अपना इलाज करा सके, किसी भी अस्पतालों के अंदर में भर्ती हो सके, स्वास्थ्य लाभ ले सके। आप मृत्यु दर की बात कर रहे थे, यहाँ पर बिस्तर की व्यवस्था नहीं है, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इन सभी समस्या का अगर वाकई में ईमानदारी से निराकरण करने की इच्छा शक्ति हर सरकार रखती है, तो उन्हें निजी अस्पतालों के खर्च का वहन सरकार को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 50% तक की समस्याओं का निराकरण ऐसे ही हो जाएगा। अभी धनंजय जी आरोप लगा रहे थे, लगातार राजनीति का आरोप लगा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यार
छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, रिकवरी रेट क्या है, टेस्टिंग के मामले में हम कौन से स्थान पर है, आज संक्रमण के मामले में हम कौन से स्थान पर है। मैं समझता हूँ कि धनंजय जी को मालूम होगा और धनंजय जी इस बात को यहाँ पर रखेंगे भी और अपनी सरकार को भी इस बात से अवगत कराएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर में इन समस्याओं से निराकरण हो सके। और जो कोविड के मामले प्रदेश के अंदर में बढ़ रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है, हमारे एक भाजपा के वरिष्ठ नेता का कोविड से निधन हो गया है। इस प्रकार की स्थिति है आज पूरे प्रदेश के अंदर में, हर गली गली के अंदर में दुख का वातावरण है। मौत की अगर हम बात करें तो 550 से ऊपर मौतें हो सकती हो चुकी है, अकेले राजधानी के अंदर में 250 से ऊपर हमारे अपने आसपास के, हमारे जानने वाले धनंजय जी के, मेरे जानने वाले, तमाम लोगों के जानने वाले आज हमारे बीच में नहीं है। यह बड़ा दुख का विषय है, यह राजनीति का विषय नहीं है, उन तमाम लोगों की जान बचाने के लिए हमको आगे आने की आवश्यकता है। धनंजय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो 20 लाख रुपए का जो पैकेज है उसको मर्ज कर दीजिए कोविड के इलाज को, ताकि सब लोग जाकर के अच्छा से अच्छा इलाज कर सके। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही निवेदन है कि कोविड के इलाज को आपके 20 लाख वाले पैकेज में मर्ज करिए, तब जाकर के हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ने में आने वाले समय के अंदर सफल होंगे। ठीक है, मेरा एक सवाल है ठाकुर साहब, और काफी अलग सवाल है कि ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं इसकी नौबत क्यों आन पड़ी? आप क्या मानते हैं, प्रदेश सरकार क्या मानती है? क्योंकि कभी मोदी जी से मुलाकात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के, पत्र भी लिखे जाते हैं सर, और ऐसा नहीं कि पहली बार पत्र लिखा गया हो, और यही वजह है कि पत्र लिखने के बाद चंद्राकर साहब ने कहा कि इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाना चाहिए कि पत्र लिखा जाए, तो ये नौबत सर आन क्यों पड़ी? क्योंकि ठीक है, आपने जब चर्चा की शुरुआत हुई तो कई पहलू गिनाए, लेकिन क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार की सुनी नहीं जा रही है, केंद्र सरकार की जहां तक बात करें तालमेल में कहीं कमी है, या क्या वजह आप मानते हैं सर? देखिए अजय जी, आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि 825 करोड़ रुपए की राशि हमको दिया जाए, जिससे हम यहाँ पे और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की व्यवस्था, पीपीआई किट की टेस्टिंग की व्यवस्था हम कर सकें। कितना पैसा दिया गया? 85 करोड़ रुपए। क्यों नहीं दिया गया भाई? जब राज्य सरकार ने आपसे मांगा तो कहीं ना कहीं आपको देना नहीं है, या आपने पूरे देश को जो कंगाल किया है उसकी सजा राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। आपने हमारे क्षतिपूर्ति राशि जो जीएसटी का 28 और 28 रुपए वो भी आपने नहीं दिया हमारा, आपने हमारा कोयला का रायती नहीं दिया, आप हमारे जीएसटी की जो बकाया राशि लगभग 8,000 करोड़ रुपए वो भी आप हमारे को नहीं दे रहे। और लगातार आप देखेंगे, अभी उमेश गोरखे जी कह रहे थे इस समय रायती नहीं करनी चाहिए, हमको संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, हम तो वही कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जनता को और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अगर केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं तो इसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको पीड़ा किस बात की हो रही है? क्या आपको इस बात का भय है कि इस बार फिर हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार जो है राज्यों को और जो लगातार 6 साल से जो विकास की ढिंढोरे नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीटा जा रहा है और की सफलता के गुणगान गा रहे हैं, क्या उसका पुल खुल जाएगा? इस बात का डर है आपको? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राज्य को लेकर जो असंवेदनशीलता है, इनका जो उजागर होता है। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उमेश घोरबड़े जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ अगर कोरोना महामारी फैला है देश में, उसके लिए ना तो मध्य प्रदेश को आप दोषी ठहरा सकते। मध्य प्रदेश भी अपने बलबूते में काम कर रहे हैं, गुजरात भी अपने बलबूते में काम कर रहे हैं, राजस्थान भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है, और केंद्र सरकार ना भी करे तो हम इतने करेंगे कि राज्य की जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, सब स्वस्थ रहे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों का खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा है, आज विश्व में भारत दूसरे नंबर पर है कोरोना पॉजिटिव मरीज के मामले में और मौतों के मामले में टॉप वन पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारी का कारण जो है नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा है, और इसमें हम राज्य सरकारों पर ठिकरा फोड़ के या मजदूरों के ऊपर हम ठिकरा फोड़ के बच नहीं सकते हैं। ये तो गैर जिम्मेदार लोग केंद्र में बैठ गए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जो खुद को चौकीदार बताते हैं, खुद को जनता का सेवक बताते हैं, देश में कितने मजदूर चलते चलते जिनकी मौतें हो गई, वो प्यास से मौत हो गई, दुर्घटना में शिकार हो गए, कई लोग हादसों के शिकार हो गए, इसकी जानकारी नहीं है, ऐसे लोग देश में बैठ गए हैं। किसान ऐसे लोग देश बैठ गए हैं, कितना है अंबानी को कितनी कंपनियां बेचनी है, किसानों से क्यों आप ये मजा नहीं आएगा। मैं सुन रहा था, ये आरोप लगाना सुन रहा था जी।
है ना, तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य के भाजपा के जो इकाई है इनकी, ये असंवेदनशील हो चुके हैं, ये लोगों के मौत पे रांची कर रहे हैं, ये आपदा पे अवसर तलाश कर रहे हैं। मैं तो अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर इनमें नैतिकता बाकी है तो आरोप लगाने से पहले अपने भाजपा के नेताओं से कहें, सांसदों से कहें कि राज्य सरकार ने जो जनता के लिए पैसा मांगा है उस पैसे को तत्काल जारी किया जाए, लेकिन इनमें नहीं है क्योंकि तो रांची करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए सर। उमेश जी, मेरे पास समय कम है, अपनी बात रखिए। देखिए, निश्चित तौर पे जब से कोविड का विषय लेके हम यहाँ पर बैठते हैं और सकारात्मक बात करने का प्रयास करते हैं, तो ना सिर्फ धनंजय जी बल्कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता रटा रुटाया टेप्रिका की तरह बजना प्रारंभ कर देते हैं। वही ट्रंप की बात करेंगे, वही काली काली की बात करेंगे और किसी न किसी प्रकार से डिबेट से बच करके भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे जब विश्व की रिकवरी रेट क्या स्थिति, छत्तीसगढ़ में कहीं कोई जवाब नहीं। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वीकार कर उस बात को, स्वीकार कर उस बात को। अरे मैं सुन लीजिए साहब, आप स्वीकार कर रहे हैं, जांच में टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, कहीं को यहाँ पर जवाब नहीं आता। मरीजों का आइसोलेशन का उनके उन तक दवाई तक नहीं पहुंच पा रही है, और आप 554 करोड़ की बात करते हैं, उसका हिसाब तक आप नहीं दे पा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में किस प्रकार की स्थिति थी, 580 वाला टमाटर आज पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया, झूठ पकड़ा गया समाज के लोगों को, बदनाम करने भाजपा के धनंजय जी साहू समाज के एक समिति के साथ बदनाम कर रहे हैं, भाजपा लोगों ने कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, नेता है या फिर सर्विसमैन है या छात्र है या महिला है या पुरुष है, और आप कितने भी जातिवाद लेकर के आ रहे हैं, इससे शर्मनाक भी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं हो सकती। धनंजय जी, चले ठीक है सर। जी जी, आप समाज को बदनाम करिए जी, प्रकार का व्यवहार में क्या है, ये उचित नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, मेरे पास जी मेरे पास समय खत्म है। उमेश जी, कोविड से लड़ाई की क्षमता है नहीं आप में, और आप राजनीति कर रहे हैं, जनता देख रही है, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। ठीक है सर, चलिए आप दोनों को सुना सर हमने, उमेश जी और ठाकुर साहब जी जी, उमेश जी और ठाकुर साहब, मेरे पास समय खत्म हुआ, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी जो हालात पनपे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से चिंताजनक भी हैं, लेकिन संभल जाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ भी देश का हिस्सा है, और कोशिशें यहाँ की सरकार यानी प्रदेश सरकार भी कर रही है कि कोरोना को, अगर केसेस लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और फंड की कमी है तो केंद्र से मदद मांगी गई है। एक पत्र लिखा गया है, उस पत्र पर सवाल कई खड़े हुए हैं, पर यह भी हकीकत है कि कोरोना पूरे देश से खत्म हो जाए और छत्तीसगढ़ से खत्म ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यह लड़ाई ऐसी लड़ाई है जिसे हम सभी देशवासियों को मिलकर लड़नी है, और यही वजह है, हालांकि कुछ कमियां जरूर हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें या अन्य प्रदेशों की, लेकिन सभी का एक ही लक्ष्य है कि कोरोना को भगाना है, और उसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे हम प्रदेश स्तर पर कर लें बात या देश स्तर पर बात कर लें, फोकस उसी पर है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, DNN पर खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।